असलम स्टूडेंट्स इस केस स्टडी में हम एम्प्लॉयमेंट मॉडल की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो वजाहत करने की कोशिश करेंगे अगेन ये केस स्टडी ईस्ट एशिया से है कम्बोडिया से कम्बोडिया की एक लंबी वॉर हिस्ट्री है जिसने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया आ, बेशुमार लोग जो है वो मारे गए जिसके नतीजे में बहुत सारे बच्चे यतीम हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो डिसबलिटी का शिकार हुए वॉर की वजह से ज़ख्मी होते थे इलाज की सहूलतें मसर नहीं थे डिसबिलिटी आम थी लैंड माइनस का शिकार हो के लोगों के लिम्स उड़ जाते थे टांगे बाजू मज़ूर हो जाते थे एम्प्लॉमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कोई नहीं थी ज़ाहिर है जंग की वजह से कोई काम नॉर्मल तरीके से हो ही नहीं रहा था एम्प्लॉयमेंट तो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी सो मच सो के औरतें जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था काम करने का इसके कि वो सेक्स ट्रेड में इन्वॉल्व हों इन हालात में कंबोडिया में एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी डिजिटल डिवाइड डेटा डी 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 ट्रिपल डी हम इसको कह लेते हैं अपनी सहूलत के लिए उसने एक इनिशिएटिव लिया उसने डिजिटल डिवाइड डाटा ने औरफन्स यूथ जो डिसेबल्ड इमिग्रेंट्स जो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आए हैं औरतें जो सेक्स ट्रेड में इन्वॉल्व हैं और इस तरह की जो वलनरेबल पॉपुलेशंस हैं उनको पेड ऑन द जॉब टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग फ्राहम करने की जो है वो कोशिश की डी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और बिजनेसेस से डेटा एंट्री का काम लेती थी जैसे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारा काम होता है बिज़नेस हैं जिनके पास बहुत सारा डाटा एंट्री का काम होता है और उसको आउटसोर्स करते हैं बाहर किसी को दे देते हैं तो डी डी जो है वो वो काम ले लेती थी और उस काम के ज़रिए से वो उन लोगों को यूथ को बच्चों को औरतों को एम्प्लॉय करते थे कंप्यूटर उनके आगे रख दिया और उनको कहा कि ये डाटा एंट्री करो मतलब वो साथ साथ सीख रहे हैं और साथ साथ वो जॉब कर रहे हैं उनको फेयर वेजेस मिलते थे यानी इतना उनको वेज मिलता था जो कि मार्केट से कंपेटेटिव हो वो ये कह के ट्रिपल डी जो है वो पैसे नहीं काटते थे कि आप अभी सीख रहे हैं या हमारे यहाँ तो बाजोकात यूं भी होता है कि सीखने के कोई पैसे नहीं होते बल्कि उल्टा पे करना पड़ता है ख़ासतौर तो पे टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्किल्स हैं उनको सीखने के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं तो ट्रिपल डी ने वरेबल पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करके उस डाटा के ज़रिए से उसकी एंट्री के ज़रिए से उनको कंप्यूटर लिटरेसी स्किल्स फ्राहम करना शुरू की और साथ उनको वेजेस पे किए जिससे उनकी लाइफ जो है वो बेहतर हो सके ख़ास तौर तो पर जो डेटा एंट्री के लिए लोग रिक्रूट होते थे कोशिश की जाती थी कि जो मोस्ट वलनरेबल हैं ना कि कोई एक बिजनेस एंटरप्राइज अगर होती कोई एक रेगुलर एंटरप्राइज कोई बिजनेस होता तो वो ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करता जो जल्दी सीख सकते या जिनके लिम्स बेहतर होते या जिनकी सिचुएशन बेहतर होती जिनकी कोई प्रीवियस लिटरेसी या क्वालिफिकेशन होती कि वो जल्दी सीख जाएंगे और फिर अपने वेज पे चले जाएंगे इसके बिल्कुल उलट क्योंकि डी एक सोशल एंटरप्राइज है जिसका मकसद ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना था वर्नरेबल पॉपुलेशन के लिए ऐसी पॉपुलेशन के लिए जो कि अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट मार्केट में बैरियर्स फेस करती हैं एंट्री के हवाले से कि या तो उनके पास स्किल नहीं होती या उनका कोई और मसला होता है तो उन पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया और जिसकी जितनी ज़्यादा वलनरेबलिटी थी उसको सिलेक्ट किया प्रायोरिटी बेसिस पे उनको काम सिखाना शुरू किया और साथ ही उनको पे करना शुरू कर दिया एक इंसेंटिव हो गया लोगों के लिए कि अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए काम सीख लेते हैं तो कल को वो खुद अपना काम कर सकते हैं और ऐसा ही हुआ ट्वेंटी ईयर्स ऑन डी अभी भी इसी तरह मुख्तफ वनरेबल पॉपोलेशन को डेटा एंट्री पे एम्प्लॉय करती है और उनको बाजुकात बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हाई लेवल टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल्स जो हैं वो ऑफ़र की जाती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटीज डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल और जो उनकी लर्निंग एबिलिटी है उस पर डिपेंड करते हुए और लोग वो काम सीख कर अपना काम जो है वो इंडिपेंडेंटली बाजुकात वो एम्प्लॉयमेंट मार्केट में एंटर हो जाते हैं डीडीडी के पास स्पेस खाली हो जाती है और वो और लोगों को सामने ले आती है ट्रिपल डी का कंट्रीब्यूशन जो है कम्बोडिया के हवाले से जो जब उसको उसका इम्पेक्ट सामने आया सोशल इम्पेक्ट के किस तरह मोस्ट वलनरेबल वो पॉपुलेशन जो हाईएस्ट बैरियर्स फेस कर रही हैं एंट्री में उनको अगर सिखा कर ओपन मार्केट में इंडिपेंडेंटली कम्पीट करवाया जा सकता है और साथ साथ सोशल एंटरप्राइज का अपना काम भी चल रहा है क्योंकि बिजनेस भी फिर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल कॉपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्क एथिक्स या एक जस्ट सोशल ऑब्लिगेशन महसूस करते हुए काम जो है वो ट्रिपल डी को देना प्रेफर करते हैं कि ये एक सोशल कॉज को सर्व कर रहे हैं किसी की इसके जरिए से मदद हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्सिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स डी 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 को मिलना शुरू हुए ट्वेंटी इयर्स हो गए हैं वो जो हमने मॉडल में सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के इश्यूज पड़े थे वो ट्रिपल डी ने इस तरह उनको एड्रेस किया के मोस्ट वनरेबल पॉपुलेशन को एड्रेस किया उसका इम्पेक्ट जब सामने आया तो उसको अपने जो उनके साथ पार्टनर्स थे जिन ऑर्गेनाइजेशन से वो काम लेते थे उनके साथ शेयर किया नतीजा और काम मिलना शुरू हो गया जिसमें से डीडीडी अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट अपने एक्सपेंसेस निकाल के फेयर वेजेस पे कर रही है उसके ट्रेंड किए हुए लोग मार्केट में कंपीट कर सकते हैं और इस तरह सोशल एंटरप्राइज जो है वो भी चल रहा है ना के बाद दूसरे एम्प्लॉयमेंट सोशल एंटरप्राइजेस की तरह जो एक ख़ास मुद्दत में एक ख़ास किस्म के लोगों की ज़रूरत पूरी करने के बाद उनकी ट्रेनिंग के बाद ख़त्म हो जाते हैं ये अभी तक ना सिर्फ कायम है बल्कि बाद दूसरे मुल्कों में इस मॉडल को खुद ट्रिपल डी जो है वो रेप्लिकेट कर रही है और दूसरी फॉर्म्स भी उसको किसी ना किसी हद तक रेप्लिकेट कर रही हैं थैंक यू